भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL स्टेट रन टेलीकॉम ऑपरेटर का 4G बहुत ही जल्दी आपके लिए अवेलेबल होने वाला है ऑल थ्रू आउट इंडिया। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे क्या टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अभी रिसेंटली कहा BSNL के 4G रोल आउट के बारे में। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए अभी कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि BSNL चालू करेगा डेली 200 साइट्स रोल आउट करना, 200 टावर्स रोल आउट करना 4G के एज सून एज इट हैज कंप्लीटेड इट्स टेस्टिंग। तो इस वक्त पे BSNL लाइव टेस्टिंग कर रहा है और 200 टावर्स में से 135 टावर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है जो कि टेस्ट मोड में, और जो बाकी रिमेनिंग टावर्स है वो भी बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि ये जो टेस्ट हो रहा है ना वो एकदम रियल वर्ल्ड कंडीशंस में हो रहा है विथ रियल पीपल इन्वॉल्व। यहाँ पे क्लोज एनवायरनमेंट नहीं बनाया गया जबकि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे जो भी टेस्ट होगा उसका जो भी रिजल्ट होगा उससे BSNL फीडबैक लेगा, TCS फीडबैक लेगा, क्योंकि TCS इज द टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ BSNL। TCS इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट सप्लाई करेगा BSNL को अपना 4G और 5G रोल आउट करने के लिए फ्यूचर में ऑल थ्रू आउट दी कंट्री। अभी अगर हम जाने तो BSNL ने पिछले साल ऑलरेडी अपना जो 4G नेटवर्क है, इंडिजिनियस 4G स्टैक है, उसको टेस्ट किया था 10 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए। ये टेस्ट भी सक्सेसफुल ही रहा था। अभी अगर हम बात करें तो BSNL का 4G कब रोल आउट हो जाएगा इंडिया में थ्रू आउट, तो TCS के हिसाब से जैसे ही उसको परचेज ऑर्डर मिलता है वो एक साल में जो भी कोर इक्विपमेंट है 4G नेटवर्क्स का उसको सप्लाई कर देगा, और अगले 2 साल में वो सप्लाई कर देगा बाकी इक्विपमेंट सच एज रेडियोज एंड ऑल। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 साल में BSNL का 4G रोल आउट हो जाएगा थ्रू आउट द कंट्री। और एक और चीज यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि BSNL का जो 4G है वो अपग्रेडेबल है 5G में। जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि जो भी BSNL टेक्नोलॉजी स्टैक यूज कर रहा है उसको अपग्रेड कर सकते हैं 5G में जस्ट थ्रू सॉफ्टवेयर अपग्रेड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्रेट न्यूज है BSNL के फैंस के लिए। हम सब खुश होंगे अगर BSNL का 4G और 5G थ्रू आउट द इंडिया अवेलेबल रहेगा, और स्पेशली अगर ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है तो इससे अच्छी बात तो और कुछ हो नहीं सकती। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे BSNL के 4G के बारे में, बट हाँ हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो आप अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमें। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है BSNL और उसके 4G के बारे में, और क्या राय है बाकी कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी और उनके 5G नेटवर्क्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को थम्स अप देके अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।